राम राम जी सारे। अज आप लेके हाजिर हाँ थोड़े हिंदी सब्जेक्ट के रिलेटेड डिटेल च भी करांगे, नाल ही थोड़े नाल एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे। सो शुरू करते हैं जी हिंदी दे बारे। जो पहला लेक्चर है साडा कि हिंदी दे विच जो असीं शुरुआत दे विच गल करते, हिंदी एक भाषा आ, हिंदी एक भाषा आ। ते भाषा हुंदी की आ? भाषा एक साधन आ, वह साधन, वो साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। यानी कि वो साधन आ जिदे नाल असी अपने मन के भावों को या तो बोल के या तो लिख के किसी सामने प्रकट करते हैं, किसी सामने रखते हैं। हुण असी देखो, अगर किसी नाल गल करनी है मतलब बोलते हैं, किसी को पत्र लिखना यानी कि लिखते हैं। सो इस कंडीशन के हिसाब के नाल अगर असी गल करिए कि भाषा के किन्ने रूप आ, तो भाषा के आ गए जी दो रूप। केड़े केड़े? एक आ गया जी मौखिक यानी कि बोलचाल वाला, दूसरा आ गया लिखित यानी कि लिखण वाला। सो अगर तुहानू पेपर च क्वेश्चन आवे कि भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कितने रूप है, तो तुसी कहना कि भाषा के दो रूप हैं। कौन से? मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित। ठीक है जी। हुण अगला सवाल कि हुण मौखिक भाषा केड़ी आ जो असी मुंह नाल बोल के अपने विचार प्रकट करते हैं, लिखित भाषा केड़ी आ जो असी लिख के विचार प्रकट करते हैं। हुण मौखिक भाषा दी जो आधारभूत इकाई आ, यानी कि आधार की है मौखिक भाषा दा। देखो, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है ध्वनि यानी कि धुन, यानी कि जो असी बोलते हैं मुंह चो वो ध्वनि है ना। सो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है ध्वनि। नोट कर लो, अद्धा तो दया जी। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई अगर पेपर च आ जाए कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई की आ, आधारभूत मतलब आधार की आ मौखिक भाषा का, केड़ा बेस आ, कितने टिकी हुई आ आधारभूत इकाई। अगर तो पूछा जाए मौखिक दी, मौखिक दे हैगी आ जी आधारभूत इकाई, आप हमने गल की ध्वनि यानी धुन। एक मिनट, तदा गलत पै गया, ध्वनि। नोट कर लो, इनू पेपर च आ सकते हैं ध्वनि। ते उथे अगर पूछा जाए कि लिखित भाषा की आधारभूत इकाई की आ, लिखित भाषा की हिंदी जी वर्ण, वर्ण। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई की आ वर्ण होंगे आ जी, ध्यान रखियो। लिखित दी वर्ण, मौखिक दी ध्वनि। चलो जी अगे, नेक्स्ट आ गया जी उपभाषा। हुण देखो कि साडे कोलों भाषा तो है हिंदी, उपभाषा का मतलब की आ? उपभाषा देखो, इहदे विच उपभाषा डेफिनेशन लिखी आ बोली का वह सामान्य रूप, बोली का वह जनरल रूप, आम तौर पर वरत्या जाने वाला रूप जिदे विच चेंज नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, उन्हों असी उपभाषा कहने हैं। तो ये एक वर्ड यूज किया बोली, भी बोली की आ। हुण ध्यान दियो, बोली की पहले डेफिनेशन कर लिए फिर असी उपभाषा से भी आने हैं। बोली की आ? किसी छोटे क्षेत्र में भाषा का बोले जाने वाला स्थानीय रूप। देखो, किसी छोटी जी जगह पर कोई मान लो कोई 5-10 किलोमीटर से ना बोली चेंज हो जाती है। तो नोट करो, 5-10 किलोमीटर से बोली चेंज हो जाती है, 5-10 किलोमीटर बाद। जिदा कहते ना कोई, कहते सी 12 को ते बोली चेंज हो जाती है, इदा ही हिंदी में लिखा होता कि 5-10 किलोमीटर तो बाद बोली चेंज हो जाती है। यानी कि 5-10 किलोमीटर के छोटे जिहे एरिए दे विच जो असी शब्द बोलते हैं जिदा भी असी बोलते हैं वह हो जाती बोली। हुण यानी कि हुण आपां 5-10 किलोमीटर अगे चल गए, आपां मान लो इत्थे हाँ, इस तो आपां 5-10 किलोमीटर अगे चल गए। हुण जगह उही आ यानी कि साडी स्टेट उही आ, ठीक है, मतलब साडा राज उही आ, लेकिन साडा पिंड बदल गया या शहर बदल गया या जिला बदल गया, कुछ भी बदल गया, लेकिन उस तो बाद ना बोली बोलण दे तरीके च फर्क आंदा पिया। ठीक है, हुण बोली बोलण दे तरीके च फर्क आ गया, लेकिन जो उहदा सामान्य रूप आ जिद्दां आपां कहिंदे तुहानूं किसे नूं कहता, ठीक है, या कोई होर वर्ड कह दिंदा इहदी जगह ते, ठीक है, कितें सोनू कह दिंदे आ या कितें थोनू कह दिंदे आ, ठीक है, तां उपभाषा इहनां दी सेम रहिंदी आ। जां तुसीं इत्थों इदां याद रख लो कि बोली एक छोटी जी जगह ते बोली जाण वाली जो कि 5-10 किलोमीटर ते बोली जाती है।
ਹੁਣ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਚੇਂਜ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਝੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਝੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੁਆਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੀ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਾਮਾਨਯ ਰੂਪ ਆ, ਜਨਰਲ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕਾ ਵਹਿ ਸਾਮਾਨਯ ਰੂਪ, ਜਿਸਮੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ? 5। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 5। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੱਛਮੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਰਾ ਪੈਣੀ ਆ, ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪੱਛਮੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਬੋਲੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੇਤਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਆਬਾ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨਯ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝਈ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੋਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਰੂਪ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ 5 ਉਪਭਾਸ਼ਾ। 5 ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਪੱਛਮੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਬੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ 5। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਆ ਖੜੀ ਬੋਲੀ। ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਖੜੀ ਬੋਲੀ, ਖੜੀ ਬੋਲੀ। ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੌਰਵੀ, ਕੌਰਵੀ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਖੜੀ ਬੋਲੀ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਓ ਤੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਨੌਜ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ਬੁੰਦੇਲੀ, ਬੁੰਦੇਲੀ, ਬੁੰਦੇਲੀ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨੌਜੀ, ਕਨੌਜੀ, ਅੱਧਾ ਨੰਨਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨੰਨਾ, ਕਨੌਜੀ, ਬੜੇ ਔ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਕਨੌਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਫਥ ਹੈ ਜੀ ਹਰਿਆਣਵੀ, 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 ਹਰਿਆਣਵੀ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਂਗਰੂ, ਬਾਂਗਰੂ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? 5 ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਂਗਰੂ ਗੱਗਾ ਆ ਜੀ, ਬਾਂਗਰੂ, ਮ ਨੀ ਆ ਗ, ਬਾਂਗਰੂ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ 5। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ 5 ਬੋਲੀਆਂ, ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਕੌਰਵੀ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੁੰਦੇਲੀ, ਕਨੌਜੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਵੀ ਹਿੰਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਵੀ। ਪੂਰਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ 3। ਪੂਰਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ 3। ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਅਵਧੀ, ਅਵਧੀ, ਅਵਧ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਵਧੀ।
कह लो मेन याद रखने का तरीका। दूजी आती जी साढ़े को बघेली, बब्बा कग्गा बघेली, बघ बघेली। थर्ड आती साढ़े को छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ए अद्धा तत्ता फिर पूरा तत्ता छत्तीसगढ़ी। ग ड़ दूजा पैना जी ढोलक वाला ड़, छत्तीसगढ़ी। यानी कि दूजी जो साढ़े को उपभाषा है उसदे विच तीन बोलियां आ, पूर्वी हिंदी विच तीन बोलियां आपदी बघेली ते छत्तीसगढ़ी। तीसरी की गल करते हैं, तीसरी है जी राजस्थानी हिंदी, तीजी है जी राजस्थानी, 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 राजस्थानी विच साढ़े को आ रही हैं जी चार। एक आती जयपुरी, जयपुरी याद रखना सौखा आ क्योंकि जयपुर राजस्थान दे विच आ, जयपुरी मतलब याद रखने का तरीका ही आ। उस बाद मालवी, मालवी, मालवी तो बाद साढ़े को आती जी तीजे नंबर ते मारवाड़ी, मारवाड़ी। पेपर च इदा भी आ सकता आ कि ये जो बोली आए केड़ी उपभाषा नाल रिलेटेड आ, मारवाड़ी। चौथी है कि जी भीली, भीली। ये आ सकता है कि ये उपभाषा, ये बोली केड़ी उपभाषा नाल रिलेटेड आ, ठीक है जी। चौथी आ गई साढ़े को बिहारी हिंदी, चौथी टाइप आ गई या चौथी उपभाषा आ गई बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। बिहारी दे विच साढ़े को आदि जी तीन, एक आ गई जी भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी तो बाद नोट करो मगही, मगही, म ग ह मात्रा मगही। उस तो बाद नोट करो जी मैथिली, मैथिली, मैथिली। नेक्स्ट जो साढ़े को पंजवी उपभाषा आया वो है जी पहाड़ी हिंदी, पंजवी है जी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी। पहाड़ी विच भी साढ़े को दो बोलियां आदियां जी, पंजवी उपभाषा पहाड़ी। उस दो आदियां कहीं मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। हाँ उत्ते र पाया वाला, र, एक मिनट कट के बोलना, मध्यवर्ती पहाड़ी। फिर दूसरी साढ़े को आती है जी पश्चिमी पहाड़ी, दूजी आती है साढ़े को पश्चिमी पहाड़ी। सो ये साढ़े को पांच उपभाषा ते ओदे नाल लगदियां 17 बोलियां। पश्चिमी विच सीगियां पांच, पूर्वी विच सीगियां तीन अठ, राजस्थानी सीगियां चार यानी कि 12, बिहारी च सी तीन यानी कि 15, दो हैगियां पहाड़ी विच यानी कि 17। सो पांच उपभाषा ते 17 बोलियां साढ़े कोलो हुंदियां। हुण दो चार प्रश्न होर ध्यान रखियो, की ध्यान रखोगे? पहला है जी साढ़े कोलो के तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने एक बहुत वड्डा ग्रंथ लिखिया जिन्हां दा नाम हैगा जी रामचरित मानस, रामचरित मानस। ये भी पेपर जा सकदा कि केड़ा लिखिया तुलसीदास जी ने रामचरित मानस, ठीक है जी। हुण आ की सकदा है कि जो रामचरित मानस लिखिया तुलसीदास जी ने ये केड़ी उपभाषा च लिखिया या? ये लिखिया जी पूर्वी उपभाषा च, पूर्वी उपभाषा, पूर्वी। हुण अगला प्रश्न आ सकदा या कि पूर्वी उपभाषा दी केड़ी बोली विच लिखिया गया? तां नोट करो पूर्वी उपभाषा दी अवधी बोली। इनू याद करना बड़ा सौखा आया। अवधी तो याद रख लो अयोध्या, अयोध्या दा रिलेशन किहदे नाल आ? प्रभु श्री राम जी दे नाल। तां पूर्वी अवधी, अवधी रामचरित मानस, रामचरित मानस भी राम जी नाल रिलेटेड आ। सो तुलसीदास जी ने लिखा रामचरित मानस, केड़ी उपभाषा पूर्वी, केड़ी बोली अवधी बोली विच लिखा, ध्यान रखो। अगला एक होर जो पेपर जा सकदा नोट करो,
के विद्यापति जी एक हुए आ, विद्यापति जी नोट करो, विद्यापति विद्यापति स्पेलिंग भी देखी जाओ कारण पता की या, क्योंकि जो वर्तनी वाले क्वेश्चन में आते भी सही स्पेलिंग दसो। जो विद्यापति जी आ इना ने इना दी एक रचना आ जिसका नाम है जी पदावली, पदावली ठीक, पदावली। अगर पदावली आ ता इना ने एक केड़ी उपभाषा च लिखी है तो नोट कर लो जी, बिहारी हिंदी। केड़ी उपभाषा आ बिहारी हिंदी। हुण अगर पूछा जावे कि बिहारी तो उपभाषा आ लेकिन केड़ी बोली, तो नोट कर लो मैथिली बोली, मैथिली बोली विच लिखी हुई है। हुण इदां दे सवाल भी पेपर च आ सकते हैं क्योंकि अपना सिलेबस है तो आपां नूं तां पढ़ना पैना है, ठीक है, मैथिली बोली ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, हुण एक प्रश्न और नोट करो कि बुद्ध धर्म की भाषा केड़ी मनी जाती है। जो बुद्ध धर्म की भाषा है ना वो केड़ी मनी जाती है, तो वह नोट कर लो बुद्ध धर्म की भाषा मनी जाती है जी पाली। बुद्ध धर्म की भाषा मनी जाती है जी पाली। ते अगर पूछा जाए कि जैन धर्म की भाषा केड़ी है, जैन धर्म की भाषा मनी जाती है जी प्राकृत, प्राकृत। जैन धर्म की भाषा प्राकृत, बुद्ध धर्म की भाषा मनी जाती है जी साढ़े को पाली, ठीक है जी। अगे एक चीज नोट करो कि अगर सवाल आवे कि हिंदी की आदि जननी, मतलब हिंदी कितों पैदा हुई है, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी मतलब पैदा कितों हुई हिंदी, तो नोट कर लो। अगर इधर का सवाल भी आ जाए तो तुसी नोट करो, वो मनी जाती है जी संस्कृत। आदि जननी मनी जाती है जी संस्कृत, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है जी संस्कृत। अच्छा ये आदि जननी मतलब सब तो पहला जितों लगता भी भाषावां दा शुरुआत होया, हिंदी दा मतलब बनतर शुरू हुई तो हुई है संस्कृत तो। लेकिन अगर जनरली गल की जाए, हुण ऑप्शन से डिपेंड करता है, देखो एक चीज और नोट कर लो, सामान्यतः मतलब जनरली, सामान्यतः मतलब आम तौर पर अगर असं गल करिए, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। नोट कर लो कि हिंदी सामान्यतः मतलब आम तौर पे हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के आम तौर की गल है, इतिहास का प्रारंभ, इतिहास का प्रारंभ। देखो सवाल ते डिपेंड करना है भी आंसर की देना, इतिहास ते ऑप्शंस ते भी, इतिहास का प्रारंभ कितों मनिया जाता है, नोट कर लो इतिहास का प्रारंभ कितों मनिया जाता है, अपभ्रंश से, अपभ्रंश ठीक है जी, अपभ्रंश नोट कर लो ठीक, ठीक है जी। सो अगला अगला प्रश्न साढ़े को आ गया, अगले प्रश्न आ गया कि लिपि की है, लिपि है जी ध्वनि चिन्ह, मतलब जो असी बोलते हैं, जो असी बोलते हैं, बोलन वाली होगी मौखिक बोली, ते असी पढ़ के आए हैं कि मौखिक बोली दी जो आधारभूत इकाई है मतलब जितने बेस आ की या ध्वनि ते बेस आ। हुण ध्वनि जो असी बोलते हैं मुंह चो जो आवाज निकलती है उन्हों असी ध्वनि कहने हैं, ते ध्वनि नूं लिखण लई भी कुछ ना कुछ चाहिए आ, तां जो ध्वनि नूं लिखण लई चिन्ह वरते जाते हैं, जो चीजा अक्षर वरते जाते उन्होंने असं लिपि कहने हैं। तो असं पढ़ के आए हैं कि हिंदी की लिपि केड़ी आ, देवनागरी। वो तो पंजाबी के पेपर कराया सी, हिंदी की लिपि की है जी देवनागरी, ठीक है। पंजाबी की आप की गुरमुखी लिपि, हिंदी की लिपि केड़ी आ, देवनागरी लिपि आ, ठीक है जी, ध्यान रखना है। सो लिपि की आ वो चिन्ह, ध्वनि चिन्ह जो असी बोलते हैं उन्हों लिखण लई जो चिन्ह वरते जाते हैं वो लिपि होंगे। हम एक चीज और नोट कर लो, भारत की सभी लिपियां, भारत की
सभी लिपियां मतलब भारत दियां सारियां लिपियां कित्थों आईया मनिया जांदियां। भारत की सभी लिपियां मतलब जिन्हें भी आप भाषा अपने ध्वनि चिन्ह वरतते हाँ किसी भी भाषा के सभी लिपियां कित्थों मनिया जांदियां हैं। अगर हिंदी च सवाल आवे भारत की सभी लिपियां कित्थों आईया जांदियां मनिया ब्राह्मी लिपि से निकली मानी जाती है। मतलब कि ब्राह्मी लिपि है जिथों इन्हों की मनिया जाता कि इतों आई है इतने मम्मा आदा पैदा होंगे मम्मा आदा आया ठीक है जी मम्मा नाल जुड़ गए सी ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। एक मिनट हाँ जी आपां गल कर रहे थे कि ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है ठीक है इन्हों इदा लिखा जाता है ये म जोड़िया जाता वा साढ़े को ठीक है जी इतने म जोड़िया जाता ब्राह्मी लिपि। सो क्वेश्चन डिलीट हो गया। क्वेश्चन ये कि भारत की सभी लिपियां किस लिपि से निकली मानी जाती हैं तो आंसर आएगा जी ब्राह्मी लिपि। भारत की सभी लिपियां सभी लिपियां किस लिपि से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं किस लिपि से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं किस लिपि से उत्पन्न हुई लिख लो चलो उत्पन्न तो लिख लो ब्राह्मी लिपि ठीक है जी। ब्राह्मी लिपि तो उत्पन्न हुई मनिया जाती हैं। नेक्स्ट आ गया जी साढ़े को के अगे कुछ लिखे हैं कि भाषा तो वे अगे हुई लिपि भी कि भाषा में कि लिपि वर्त होंगी है। हिंदी लिए आप हमने गल करके आए हैं हिंदी लिए असं यूज करते हैं जी देवनागरी। हिंदी लिए असं यूज करते हैं देवनागरी। हम माउस की प्रॉब्लम तुम्हें पता ही है तुम इतों नोट कर लो फिर मैं डिलीट कर देनी है। देवनागरी पंजाबी की आपू सारू पता है गुरमुखी। अगर असी हिंदी च लिखनी हो गुरमुखी इदा स्पेलिंग लिखे जाते बुक्स के गुरुमुखी ठीक है जी। ये तीजी है कि जी संस्कृत। संस्कृत की भी नोट कर लो जी देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी आ। अंग्रेजी की हैगी जी रोमन। अंग्रेजी की हैगी जी रोमन लिपि असी कीता सी पिछली वीडियोस दे विच जिहड़े पुराने क्वेश्चन डिस्कस किए सी पंजाबी दे रोमन ठीक है ये चीज ध्यान रखिए। ठीक हुण जिहड़ी भी आप लिपियां की गल की है चाहे देवनागरी आ चाहे गुरमुखी आ चाहे रोमन ये किधरों लिखिया जाता है बाई से दाई ओर यानी कि खब्बे तो सज्जे वल। ये किधरों लिखिया जाता है बाई से दाई ओर मतलब जिदा मैं लिखा हुआ इदा बाई से दाई ओर बाई से दाई ओर यानी कि खब्बे तो सज्जे वल बाई से दाई मतलब खब्बे तो सज्जे वल जिदा आप आम लिखते हैं। हुण अगे आ गया जी फ्रेंच ते जर्मन। फ्रेंच ते जर्मन की जो लिपि है ना वो हैगी जी रोमन लिपि। फ्रेंच ते जर्मन की कि लिपि है रोमन लिपि ते आप हुणे पढ़ के आए रोमन कितों लिख हुंदी है खब्बे तो सज्जे वल यानी कि बाई से दाई और बाई से दाई बाई मतलब खब्बी दाई मतलब हो गया सज्जी ठीक है जी बाई से दाई और ठीक है। हुण अगर असीं गल करिए नेपाली ते मराठी। नेपाली मराठी भी देवनागरी ना लिखी जाती यदि लिपि देवनागरी है जी देवनागरी। ये भी कितों लिख होंगी बाई से दाई और मतलब सेम। अरबी अरबी की गल करिए अरबी की लिपि हैगी है जी अरबी। अरबी की लिपि की है अरबी। अगर असी गल करते हैं उर्दू या फारसी की इन्हों की लिपि सेम है वह लिपि है जी फारसी। लिपि की आ फारसी। ये जड़िया दोनों लिपियां ना चाहे अरबी चाहे फारसी ये लिख हुंदियां सज्जे तो खब्बे वाली यानी कि दाई से बाई ओर दाई से बाई ओर ठीक है जी दाई से बाई ओर यानी सज्जे तो खब्बे वाल ये लिपियां लिखिया जांदियां आ। ये चीज तुसीं ध्यान रखनी है ठीक जी। नेक्स्ट नेक्स्ट साडे कोल आ गया
व्याकरण दे अंग असी पंजाबी च चार पढ़े सीगे, हिंदी च व्याकरण दे अंग मन्ने जांदे आ जी तीन। हिंदी च व्याकरण दे अंग किन्ने मन्ने जांदे आ, व्याकरण दे अंग मन्ने जांदे तीन। एक हो गया वर्ण विचार, एक हो गया शब्द विचार, एक हो गया वाक्य विचार। ठीक है जी। वर्ण विचार की आ, वर्ण विचार च असी की दस्या, वर्णा बारे दसदे आ। वर्ण की आ उही चिन्ह लिपि चिन्ह हो गए, जिहड़े साडे ध्वनि चिन्ह जिहनूं असी लिपि कहिंदे आ, उह साडे वर्ण हुंदे आ। सो वर्ण नोट कर लो, वर्ण की आ जिहड़े साडे ध्वनि चिन्ह हुंदे आ, जो लिपि हुंदे आ, जो असी यूज करदे आ। जिदां मान लो कक्का इह वी वर्ण आ, खक्खा वर्ण आ, मम्मा वर्ण आ, इह सारे वर्ण आ साडे कोल। वर्ण विचार च की दस्या हुंदा कि उहनां दे भेद की आ, जां वर्ण विच्छेद नूं तोड़ किदां सकदे आ। शब्द विचार च की आ कि शब्द की उत्पत्ति किदां हुई, शब्द की रचना किदां हुई। ठीक है। वाक्य विचार की आ, असी वाक्य बारे जानकारी प्राप्त करते कि वाक्य परिवर्तन किदां कर सकते हैं, वाक्य का विश्लेषण किदां कर सकते, संश्लेषण किदां कर सकते हैं, उहदे बारे जानकारी उह बाद दी गल आ। लेकिन व्याकरण दे अंग हिंदी के हिसाब नाल किन्ने आ, तीन, पंजाबी च असी चार पढ़े सी। सो संविधान ने, साडे संविधान ने किन्नियां भाषावां नूं मानता दित्ती आ, तां नोट कर लो जी, वह दित्तियां जी 22 भाषावां नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ। 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ, 343 ਵੀ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, 343(1) ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਆ। 343 भी आ जाता, 343(1) भी आ जाता, तो 343(1) जो है वो साढ़े को ज्यादा सही ऑप्शन आ, ये चीज ध्यान रखियो। ठीक है जी। अच्छा जी, एक सवाल आ, मैं पहला कराया है अपनी पुरानी वीडियोज के जिदे मैं इंपोर्टेंट डेज करवाए सी, तो अगर तुम देखी हो पता होगा कि हिंदी दिवस कदों मनाया जाता है। इंडिया के जो हिंदी दिवस आ वो कदों मनाया जाता, हिंदी दिवस इंडिया का, मैं क्या, मैं वर्ल्ड का नहीं क्या, ध्यान रखियो। हिंदी दिवस अगर असं इंडिया की गल करिए, मनाया जाता जी 14 सितंबर, 14 सितंबर। अगर असं गल करिए विश्व हिंदी दिवस, पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल आ विश्व हिंदी दिवस, अगर तुम विश्व हिंदी दिवस की गल करोगे, वह याद रखियो 10 जनवरी, वह मनाया जाता जी 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, जो इंडिया का हिंदी दिवस जो इंडिया च मनाया जाता होगा जी 14 सितंबर। वीडियो वधिया लगे तो जरूर लाइक कर दियो, चैनल में सबसक्राइब करके अपने फ्रेंड्स नाल शेयर भी कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।